आज हम लोग बात करेंगे सोनोमीटर के बारे में, ठीक है। अब सोनोमीटर क्या है? एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन वेव्स है। ओके, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग आज देखेंगे। आप में से कुछ बच्चे ये कर चुके होंगे, मे बी आपके 12th स्टैंडर्ड में। ओके, क्योंकि कुछ बोर्ड्स में इंटर में भी ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सोनोमीटर बहुत सिंपल चीज रहती है। वेरीफाई द लॉस ऑफ ट्रांसवर्स। तो ये है आपको ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस हम लोग करे हैं, राइट? याद है हम लोग ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस वेव्स के सेक्शन में करे हैं। तो आपको इसमें एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग यूज करते हैं, जिसको हम लोग बुलाते हैं सोनोमीटर, राइट? तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड देखिए, ये हमारे पास लैब में है। ये है आपका एक साउंड बॉक्स, राइट? मैं फिर आपको बताती हूँ। तो ये सोनोमीटर में बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पे है, ये एक ऐसा लंबा वायर है, देखिए ये वायर खींचा हुआ है, यहाँ पुली है, और ये एक लकड़ी का डब्बा है, हमारे पास लैब में भी है। यहाँ स्केल्स रखे हुए हैं, और ये जो दो है ना, इनको हम लोग बुलाते हैं ब्रिजेस, ब्रिजेस। और यहाँ पे ये तार को खींचा गया है, राइट? तो ये तार को इस तरह से खींचा जाता है, राइट? और यहाँ पे ये हमारे पास पुली है, राइट? ये पुली है, और इस पे क्या हो रहा है आपके पास, ये ऐसा वेट्स रखने के लिए हैंगर है। ओके, तो एक तरफ से देखिए यहाँ तार बंधा हुआ है, दूसरे तरफ से हमारे पास पुली है, और ये हैंगर है। ये हैंगर में हम लोग वजन डाल सकते हैं, राइट? अब ये वजन डालते हैं, ये देखिए ये सोनोमीटर है, ये तार है, राइट? और इसमें क्या है, ये एक हॉलो डब्बा है, और ये है ब्रिजेस। ओके, ये ब्रिजेस आपको नोट पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए, ये आपको ये बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। ये है आपके ब्रिजेस, और यहाँ से आपको पुली आती है, और ये है आपका सोनोमीटर, जहाँ से आपको आवाज आती है। ये है आपके स्केल्स, आपके पास दो स्केल्स यहाँ फिटेड है, ताकि आप लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये है एक स्ट्रिंग, राइट? एक स्ट्रिंग है जो आपको है, और ये है ब्रिजेस। ब्रिजेस का मतलब क्या है, ये एक जगह है जो आपको वाइब्रेशन में नोड पॉइंट मिलेगा। नोड यानी कि आप ये टच होता है, राइट? यानी कि ये पॉइंट पे आपको वाइब्रेशन नहीं होगा। तो ये एक ब्रिज है, और एक दूसरा भी ब्रिज है, और ये दोनों मूव कर सकते हैं, राइट? इसको दोनों को मूव कर सकते हैं आप, ये दोनों ब्रिजेस को। और ये हमारा तार है, ये हमारी पुली है, यहाँ एक पुली रखा हुआ है, और ये पुली से नीचे देखिए, ये तार जो है, ये अपना थ्रेड जो है, यहाँ पे ये वेट का हैंगर है, राइट? और ये वेट के हैंगर पे हम लोग वजन को यहाँ डालते हैं, राइट? तो इससे क्या हो रहा है, हमारे स्ट्रिंग को हम लोग टेंशन दे रहे हैं, राइट? मन चाहे टेंशन देते हैं वेट को बदलने से, यानी कि ये हैंगर में जितने हम लोग वजन ऐड करेंगे, उससे हमारे ये जो तार है, ये जो स्ट्रिंग है, ये और खींचा जाएगा बिकॉज ऑफ ये वेट, राइट? तो कितना वेट आप हैंगर में डालेंगे, उसके वजह से ये खींचेंगे, राइट? अब देखिए, यहाँ इनके उंगली के नीचे यहाँ कागज का टुकड़ा है, ये एक छोटा कागज का टुकड़ा है, जिसको हम लोग बुलाते हैं पेपर राइडर। ये पेपर राइडर को हम लोग तार के ऊपर डालते हैं। अब समझो, ये तो हमारे ब्रिजेस है, तो इनके मिड पॉइंट पे हम लोग ये पेपर राइडर को डालते हैं। अब आप देखेंगे कि ये पेपर राइडर क्यों डाल रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये है मेरा पेपर राइडर। तो अब आप देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें अभी बताएंगे आपको, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ओके, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये वाइब्रेट करने लगेगा। ओके, और जब ये अच्छे से वाइब्रेट होगा, यानी कि ये पेपर राइडर जो है, ये पूरा एक लूप हो जाएगा, तो ये पेपर राइडर गिर जाता है, राइट? तो आपको अभी वीडियो में बता रहे हैं, देखिए ये मेरा पेपर राइडर है, ये मेरे ब्रिजेस है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं फर्स्ट लॉ, कि व्हेन द टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी, हम लोग ये फॉर्मूला कर रहे हैं, आ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो अगर हम लोग एक ही वेट डालेंगे, राइट,
लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट है क्योंकि लीनियर डेंसिटी क्या है, ये स्ट्रिंग की लीनियर डेंसिटी है, यानी कि टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लैब में आप लोग क्या करते हैं, वो पूरे रस्सी को जो है ना उसका वजन लेते हैं, वजन मेजर करते हैं और उसका लेंथ भी मेजर करते हैं। तो आपकी लीनियर डेंसिटी स्मॉल m इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय लेंथ, राइट। तो ये है मेरी लीनियर डेंसिटी। टेंशन क्या है, टी, टी है वो जो वजन आपके हैंगर में पड़ रहा है ना, वो वजन को हम लोग टेंशन टी बोलते हैं, राइट। तो अगर टेंशन टी और लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर्मूला जो हमें देता है कि कौन से फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेशन होता है, कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट। तो ये है फर्स्ट लॉ। तो ये है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टेंशन डाल रहे हैं, हम लोग हैंगर में वेट कुछ डाल रहे हैं, राइट। तो आप लोग बाद में लैब में देखेंगे एक एक वेट 500-500 ग्राम का है, यहाँ टेंशन लग गया वायर को। अब हमें मालूम है टी इज इक्वल टू एम इन टू जी, राइट, यानी कि ये जो मास है हमारा उसमें देखिए आप चार आधे आधे किलो के थे, सो आपको वो था मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यू। सो ये 2 किलो है मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इन सीजीएस, इन एसआई यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स पे जी का वैल्यू 980 है, ओके। तो ये मैं टेंशन डालूंगी और अब हम लोग लीनियर डेंसिटी जैसे मैंने आपको कहा आप करेंगे। अब ये पेपर राइडर को ऊपर डाल दिए, राइट, और अब क्या होता है, ये है हमारा ट्यूनिंग फॉक। तो ये ट्यूनिंग फॉक को हम लोग मारते हैं ये हैमर के साथ, देखिए अभी हैमर के साथ वो मारेंगे तो उसके ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज होती है। तो उसको हम लोग टच करेंगे ये स्ट्रिंग से, देखिए इसको मारे टच करेंगे ये स्ट्रिंग से तो इसको वाइब्रेशन सेम आ जाएगा, राइट। अब आप देख सकते हैं कि ये है आपका पेपर राइडर नहीं गिर रहा है, राइट। अब क्या करते हैं, अब आप फिर एडजस्ट करते हैं ये B1 B2 का डिस्टेंस ताकि वो गिरे, पेपर राइडर गिरे। तो जनरली दो लोग पार्टनर्स मिलके करते हैं तो एक पार्टनर इसको मार के वाइब्रेशन स्टार्ट करता है और दूसरा पार्टनर जो है ब्रिजेस के बीच का डिस्टेंस को वेरी करके पेपर राइडर गिरे तक एल मेजर करते हैं। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द दो ब्रिजेस के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए ये आपका ट्यूनिंग फॉक है, आपने इसको डाला है, वाइब्रेशन आपको आ रहा है, पेपर राइडर गिर जाता है कोई एक गिवन लेंथ का और ये है आपका एल। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू राइडर्स, ये जो पेपर राइडर्स, ये जो सॉरी ये ब्रिजेस है, ब्रिजेस के बीच का डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं इसमें ये वैल्यू को एडजस्ट करते हैं ताकि ये राइडर गिर जाए तो आपको मिल जाता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन द ब्रिजेस। आपके पास स्केल है तो ये सपोजिंग वो L1 एक ब्रिज का डिस्टेंस है, L2 जो है सेकेंड डिस्टेंस है और आप उसको मेजर करते हैं, उसके डिफरेंस से आपको मिलता है L, राइट, यानी कि L है आपका डिस्टेंस बिटवीन दोनों ब्रिजेस, राइट। तो आपको आप ये रिपीट करते हैं, एवरेज वैल्यू लेते हैं और अलग अलग ट्यूनिंग फॉक्स के साथ इसको रिपीट करते हैं, ओके। तो ये वाले में देखिए पहला वाला ट्यूनिंग फॉक 512 हर्ट्स है, सेकेंड वाला 480 हर्ट्स है, 426 है। हम लोग हमारे लैब में जो भी ट्यूनिंग फॉक्स है उनको इस्तेमाल करके हम लोग पता करेंगे और फाइंड आउट करते हैं ये वैल्यू ऑफ एल। अब हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ ऑफ एन वर्सेस 1/L और इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। सेकेंड चीज जो आप करते हैं कि हम लोग अब क्या है, हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, टी को वेरी करते हैं, राइट, अगर हमें टी को चेंज करना है तो टी को वेरी करेंगे और इसी तरह से सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं फॉर अ ट्यूनिंग फॉक ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी विद द रबर हैमर। इसको यहाँ रखेंगे और हम लोग नोटिस करते हैं कि फॉर गिवन टी पेपर राइडर कब गिरता है, राइट। तो आप ये लगा के, ये सब अकेले कर रहे हैं लेकिन पार्टनर के साथ आप करेंगे तो आप लोग मिलके इसको कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं आपके एल के वैल्यू को।
तो यही प्रोसीजर को आप रिपीट करते जाएंगे, आपको मीन वैल्यूज आ जाएंगे जिसमें आपका पेपर राइटर गिरता है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी, यानी कि आपने टेंशन के वैल्यू को बदला है। तो आप L1 L2 वैल्यूज लेंगे, मीन वैल्यू लेंगे L निकाले के, और जैसा इसमें बताया है आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे, आधे आधे किलो के वेट्स को ऐड करते जाइए। तो पहले स्टार्ट कीजिए आप 500 ग्राम्स के साथ, उसके बाद 1000, 1500 एक्सेट्रा। तो आप 500 ग्राम से बढ़ाते जाएंगे और आप मेजर करेंगे आपका L, तो आपको मिलेगा रूट टी इज प्रोपोर्शनल टू L, राइट। तीसरे वाले में आप लीनियर डेंसिटी के साथ यहाँ पे है, लेकिन हम लोग हमारे लैब में लीनियर डेंसिटी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नहीं तो वो आपका धागा जो है बदलना पड़ेगा। तो इसमें ये वाले एक्सपेरिमेंट में इन लोग ने धागे बदले हैं, लेकिन हम लोग लैब में ये तीसरा वाला नहीं करते हैं, हम लोग धागा नहीं बदलते हैं। तो आपको सिर्फ दोनों वेरिएशंस करने हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के ट्यूनिंग फॉक्स के साथ और अलग अलग टेंशंस के साथ, ठीक है। ये धागा हम लोग नहीं बदलते हैं, तो सिर्फ ये दो वेरिएशंस के साथ आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, राइट। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ, ये क्लियर है ना आप लोगों को?